रॉकी भाई का ठिकाना किधर है? नंबर है तेरे पास? हाँ है। रॉकी पैसे? हाँ रॉकी, मेरा भारी वाला माल कहाँ है? राजू ना, तरसा हूं मैं इसके लिए। रॉकी ये असली तो है ना? रॉकी कभी गलत धंधा नहीं करता। ले तसल्ली कर ले और निकल जा। अब मेरी मौत का योग टल गया। चल कट ले। बाईस नंबर 5 लाख में बिका है, तुम्हारे 2 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। अभी तो भारी माल की डिमांड बढ़ने वाली है, बस इतना ध्यान रखना कि माल कम नहीं बनना चाहिए। डिमांड बढ़ेगी तो नए सप्लायर्स तैयार करने होंगे, और सप्लायर्स तो आसमान से टपकते नहीं, बहुत मेहनत करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। एक दो आदमी है मेरे पास, वो तो बोल दूं? बिल्कुल नहीं, सबकी बस की बात नहीं। उसके लिए कोई ऐसा चाहिए जो दिमाग से खाली हो, दिल से पैदल हो। है कोई ऐसा? है एक। जिस घर में किसी की मौत हुई हो, लोग कहते हैं कि वहां भूत होता है। मैयत या शव यात्रा से लौटने के बाद लोग नहाते हैं, ये सोचकर कि कहीं कोई आत्मा पीछे ना लग गई। मौत के साए से भी दूर भागने वाले ऐसे अंधविश्वासी लोगों के लिए कोई फांसी का फंदा कैसे शुभ हो सकता है जिससे लटक कर किसी की मौत हुई हो। बहरहाल अंधविश्वासी लोगों को कोई भी तर्क या लॉजिक समझ में नहीं आता है, जो सुन लिया सो मान लिया। इसी को कहते हैं लकीर का फकीर होना, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर चुपचाप कोई भी बात मान लेना। यहां फांसी का फंदा खरीदा जा रहा था, और वो भी लाखों रुपयों में। ऐसे फंदों का पूरा अवैध व्यापार चल रहा था, और खरीदने वालों की बातों से तो ऐसा लग रहा है मानो वो अपने लिए फांसी का फंदा नहीं, कोई संजीवनी बूटी लाइफ सेविंग ड्रग खरीद रहे हों। आखिर क्या वजह हो सकती है? किसी की जान बचाने में ऐसे फांसी के फंदे की क्या भूमिका हो सकती है भाई? और अब नए फंदों का इंतजाम करने के लिए क्या करने वाले हैं ये लोग? जय अंबे। भैया हमने कल बिस्तर के नीचे 500 रुपए का नोट रखा था, कहाँ गया? अगर आपने लिया है तो दे दीजिए, चावल पूरे खत्म हो रखे हैं, हमें चावल लाने हैं। आज पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन 501 रुपए मैं दान करता हूँ, और पुण्य के फल के लिए। अरे लाली जरूरी था इसलिए किया। लाली क्या भैया, 500 का आखिरी नोट था घर में, वो आपने दान कर दिया? सिर्फ पैसे क्यों? जमीने तो वैसे भी बिक चुकी हमारी, सिर्फ एक ये घर बचा है ले देकर, इसे भी क्यों नहीं दान कर देते? शायद बदले में आपको 1000 गुना बड़ा महल मिल जाएगा। तू समझती क्यों नहीं है, इंसान को जो भी मिलता है वो सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। भैया एक बात अच्छे से बता दे रहे हैं आपको, ये भाग्य भरोसे बैठने से ना ही आज तक किसी का अच्छा हुआ और ना ही आगे होगा। अरे हाथ पर तो मारना पड़ेगा ना। अरे हमसे अच्छे तो वो मजदूर है जो रोज काम करके अपना घर तो चला लेते हैं, पर नहीं
आपने तो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। बस कर, इतना दरिद्र घर पे मत फैला। अरे तभी तो घर पे लक्ष्मी आती नहीं है। भैया हम बता, हाँ जी कौन है आप? पहचाना? नहीं, कौन? अबे राकेश तू, इतने सालों बाद। अरे हमको लगा तुम कहीं मर मर आ गए हो यार। और जानते हो, मरते मरते भी तुम्हारे माँ बाप की जुबान पर खाली तुम्हारा ही नाम था, और तुम साला कहीं लौट कर वापिस ही नहीं आए। और तुम्हारे भैया भाभी वो अपनी पूरी जायदाद बेचकर जो है शहर चले गए। तुम तो बंबई चले गए थे ना भागकर। मोटरसाइकिल, जॉकेट, गॉगल, तुम बाबू लग रहे हो यार। क्या करते हो बंबई में? पहली बात, मेरा नाम राकेश नहीं, रॉकी है। राकी? दूसरी बात, दो मिनट में सारी रामायण सुन लोगे क्या बे? अरे चलो अंदर चलो, आओ। एकदम चश्मा वगैरह इतने साल बाद, मतलब बैठो। अरे लाली, ठंडा ठंडा पानी लेके। नहीं नहीं, शरबत लेके आया मेरे दोस्त के लिए, देख जिगरी आया मेरा। पानी? तुम पहचाने नहीं इसको? अरे लाली मेरी छोटी बहन, माँ और बाबूजी के देहांत के बाद अब हम दोनों ही साथ रहते हैं। ये लाली है? हाँ, बचपन में जब देखा था इतनी सी थी, बात बात पे रुकती थी। अरे तू वहां खड़ी होके क्या करी? यहाँ ना, मेरे दोस्त का आशीर्वाद ले। अरे ये भी बिल्कुल मेरे भाई जैसा एकदम, जल्दी आ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम राकेश, यू कैन कॉल मी रॉकी। गांव के धकोसले वैसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, शहर में सब दोस्त होते हैं। So we can be friends. शहर जाकर बिल्कुल इंग्लिश बाबू बन गया है। गांव के चलन के हिसाब से रुकी आशीर्वाद माफ कीजिएगा, पर मैं ये नहीं ले सकती। अरे हमारे दोस्त की तरफ से आशीर्वाद है, मना नहीं करते उसको, ले लो कोई नहीं। लेकिन भैया ये सब आशीर्वाद है, ले लो। अरे शर्म आ रही है, ऐसा लाओ हम दे देते हैं। कुछ खाने पीने की जरूरत का सामान ले आ जल्दी से, बहुत भूख लग रही, बहुत दूर से आए। देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। तो होने देना हंगामा, मतलब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पर तुम होके मिलती नहीं हमसे। हाँ भी मिलेंगे ना, आराम से मिलेंगे। अभी हमें घर जाना है, जल्दी राशन लेना है, मेहमान आया है। कौन मेहमान? बाय द वे, खाना बहुत स्वाद बना, इट्स डिलीशियस, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई, घर भी तेरा है, खाना भी तेरा, आराम से खाना। अब तुमसे क्या छुपाऊं? तेरा दाल भात और तीन तरह की सब्जी देखे जमाना हो गया है, अरसे बीत गए हमको। ये घर की हालत देख रहे हो, खंडर हो चुकी है, और हम खोखले, नाम के ठाकुर हैं हम, नाम के। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो निकल लिए थे बंबई पैसे बनाने। मेरे भाई गलती जलती माफ, लेकिन ये नहीं पूछेगा इस वक्त मैं तेरे पास क्यों आया हूं? तुझे अमीर बनाने साले। सच सच रख
रख ले, घर चलाने में काम आएगा। तुमने बहुत माल दबा के रखा है ना, तुम बहुत उतावला हो रहा है। तू एक बार खोल के दिखा दे, एक दिन देखना तेरे पास भी इससे भी बड़े बड़े सूटकेस होंगे। तो एक बात बता, तेरे पास इतने सारे पैसे आए कहां से? ये सब मेरे लाइफ में बाबा के चमत्कार की वजह से हुआ है। बाबा यार मुझे भी मिलवा दे यार, एक बार मिलवा दे। अरे सबर कर मेरे भाई, पिछले 21 दिन से किसी समाधि के लीन में है, परसों जागेंगे, परसों ले चलूंगा। वादा वादा। हाँ पगला गए हैं। देखो अगर तुम हमारी नहीं हुई ना तो तुमको भी मार देंगे और खुद भी मर जाएंगे। हो गया तुम्हारा, बताओगे अब हुआ क्या है? तुम्हारे भैया का दोस्त क्या कर रहा तुम्हारे घर पे? सब समझ रहे हैं हम, हालांकि तुम्हारे रिश्ते के लिए बुलाया है उसको। अच्छा तो जलन हो रही है किसी को? तो एक बताया ना कि बस भैया का दोस्त है इसीलिए आया। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम पसंद तो तुम्हें ही करते हैं ना। तुम्हारे भैया की आंख में तो नाग भनी की तरह छुपते हैं ना, कहाँ होगा हमारा। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, भैया मानेंगे नहीं कभी। ये देखो तुमसे बात करने के चक्कर में भूल गए हम, कह के निकले थे दूध लेकर आ रहे हैं तो निकलते हैं हम। ए जिंदगी झंड हो रहा साला, तुमको दूध का पड़ा है? दो घड़ी बैठो तो हमारे पास, फिर देखेंगे क्या करना है तुम्हारे भैया को मनाने के। दोबारा से मार खाने का शौक हुआ है तुम्हें? तर हाथ लगा के दिखाया साला, गोली मारेंगे उसको। साले कल के लौंडे हमें और हमारी बहन को मार कर हवेली हड़पने आया था। साले मन बुद्धि के मन बुद्धि रह गए तुमको। आता ना तुम्हें करोड़पति बनाने आया। देखो कल सुबह तक सबर कर सकते हो तो करो, वरना बंदा तुम्हारे पास है सुबह तक। हाँ श्लोक परलोक दोनों का रंग कमाल, सुबह गुलाल में उंगली और खींच दे कागज पर लकीर। से बात कर रहा हूं ना, ये बात करने दे। भाग्य तो तुम्हारा ऐसा है कि मिट्टी को छोड़ तो सोना बन जाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक मनुष्य प्रेत का साया है जो ना तुम्हें चैन से कभी जीने देगा ना कभी चैन से मरने देगा। बाबा 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 इसका कोई उपाय तो होगा ना बाबा? बाबा मुझे इस प्रेत से मुक्ति चाहिए बाबा। मुक्ति है बस एक ही बात से, वो फांसी का फंदा। बाबा नहीं फंदा लगा के मर जाऊं मतलब? नहीं मूर्ख, जिसने तुम्हारे ऊपर उस मनुष्य प्रेत का साया किया है उसे इस फांसी के फंदे से लटका कर मारा, और इस फंदे को लेकर मेरे पास मैं तंत्र की विद्या से तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल दूंगा। बाबा लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा बाबा कि मेरा दुश्मन कौन है? अगले 24 घंटे में जो बिना किसी बात से तुमसे दुश्मनी मोल ले, तुम्हारी हत्या करने की कोशिश करे,
वही तुम्हारा असली दुश्मन है। उसे ही इस फंदे की जरूरत है। उसके गले से ये फंदा निकाल कर ला पाए तो ठीक, वरना इसी तरह घुट घुट कर घिसट घिसट कर जीते रहे। कोई दूसरा उपाय नहीं। बाबा की जय हो। ना भाई, ये हमसे नहीं हो पाएगा ना भाई। बात को समझ। अगर तेरे मन में बाबा की बातों को लेके जरा सा भी शक है ना, तो मुझे देख। क्या था मैं पहले? भिखारी। और आज देख कितना पैसा है मेरे पास। शहर में बंगला गाड़ी सब कुछ है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बाबा की बात मानी। सोच, तेरी मनुष्यत उतर गई तो तू मिट्टू को भी सोना बना सकता है भाई। घर पे एक जवान बहन है, उसकी शादी करवानी है कि नहीं? और तू किसी का खून थोड़े ना करने जा रहा है। वही तेरे जीवन में आपत्ति लेके आ रहा है। तू अपने आप को उससे बचाने जा रहा है। वो ठीक है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि दुश्मन कौन है। अरे उसका भी पता चल ही जाएगा। कहा हो जाओ भैया, ये देखा है। पता नहीं कौन किया है। घर की औरतों के कपड़ों की ऐसी नुमाइश है। ये राजा के ना पूजा पाठ का कोई नया तरीका होगा। चलो उसी से पूछते हैं, जगाते हैं उसे। लाओ बुला लाओ। हाँ भैया, ये देवी की भक्ति का कौनो नया स्टाइल है का? ए, बकवास क्या कर रहा है? चलो अपने अपने घर चलो, यहां से अपना काम करो। यहां पे भीड़ जमा करके क्यों रखे? चलिए अपना अपना काम कीजिए। राजा यार, ये एक लेटर मिला है, उन्होंने लिखा। तू तो बोल रही थी स्कूल में पढ़ता है, इससे थोड़ी बातचीत है। क्या करूं इसका, टांग दूं बंबू पे? भैया वो तो लड़का नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता। सोनू बहुत अच्छा लड़का है भैया। अच्छा लड़का है, वो साफ साफ लिखा है इसमें। लाली और मुझे मिलवा दो और तुम्हारी बहन को बदनाम कर दूंगा मैं। और तुम्हें तो पता होगा इसके बारे में। हाँ बोलती है। कंट्रोल यार, कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। इस बेचारी की क्या गलती है? भगवान बहन है तेरी, बात मत उठा कर। तुझे कुछ दिखाना है? देख। इस बार हाथ लगा के दिखाया वो, तो बंदूक निकाल करके ना गोली मार देंगे उनको। यारे बाबा ने क्या कहा था? बच, जिसने भी तुम पर प्रेत बिठाया वो अगले 24 घंटे में तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अब अगर तुझमें थोड़ी सी भी मर्दांगी बची हुई है ना, तो वो तो जाके से मार, अपनी जान और इज्जत दोनों बचा लेगा। ग्रह उतरेगी ना, वो तो अलग है।
कर लेगा ना तू? कर लेगा, कर लिया समाज। क्या कर रहे हम बता, तो यहीं से आता रोज रात को, काट डालूंगा देख। ए, वो ये कह रहे? देख देख ये भैया, आप प्रणाम भैया। प्रणाम भैया जी। भैया सुने हम सब, भैया हम कुछ नहीं किए, हमारा यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया। गुस्सा हो रहा है, माफी देंगे। हाँ माफी, हमारी बहन को बदनाम करेगा माफी। देखा आपने, लालच में फंसकर कैसे एक सीधा साधा इंसान भी अपराधी बन जाता है। कुछ लोग दूसरों को अपराधी बनाते हैं, उनसे अपराध करवाते हैं, लेकिन अंततः अपराध की जिम्मेदारी खुद अपराधी की ही होती है। राजा की दिमागी कमजोरी थी अंधविश्वास, और उस दुनिया में आपकी कमजोरी पता चली नहीं कि लोग तो उसका फायदा उठाने के लिए पहले से ही फिराक में बैठे होते हैं। रॉकी और बाबा ओगड़नाथ ऐसे ही लोग थे जो दूसरों को अपराधी बनाने का षड्यंत्र रचते थे। राजा ने एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए यह सब किया, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अपराध के रास्ते किसी को भी बेहतर जिंदगी नहीं मिल सकती। राजा ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ओम दुर्गा दुर्गा दुश्मन दुर्ग पत्नी वाले दुर्गम ज्ञानंदा दुर्ग देता वाला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूप दुर्गमा दुर्गम बेहतर दुर्गम। बोलो अंधा अर्पित ददाश योग, अंधा अर्पित ददाश योग, हर लो मेरे मारक योग, हर लो मेरे मारक योग, अंधा अर्पित ददाश योग, अंधा अर्पित ददाश योग, हर लो मेरे मारक योग। धारक के मारक का कष्ट युग। तुझे क्या लगता कि मैं तुझे फांसी दे रहा हूं? अरे पगले, मैं उस परेत को फांसी दे रहा था जो तुम्हारे ऊपर था। भाग गया डर, आज तो तेरा भाग्य खुल गया। भैया आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आपको सब्जी अच्छी नहीं लगी? ये भिंडी बनाई है हमने आपके लिए, आपको बहुत पसंद है ना? भैया सोनू से बात हुई थी हमारी, ये अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहा था कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है, और वो आपसे मिलने भी आने वाला है आज, और वो ये साबित भी कर देगा कि जो भी तमाशा हुआ है वो उसने नहीं किया है। और तो और भैया वो ये भी कह रहा था कि जिस किसी ने ये शैतानी करी है ना, वो खुद उसे नहीं छोड़ेगा। रख ले तेरा ये। राजा बाबू दोष टलाने की कमाई चालू। ये किस किस बात के पैसे हैं ये? जो काम तू करने जा रहा है उसके पैसे। क्या क्या करना होगा मुझे? देख, तेरी तरह ऐसे दर्जनों लोग जिन पर ये काल दोष तंत्र मंत्र मनुष्यत का साया होता है, ये सब लोग बाबा के पास इलाज करवाने आते हैं, और बाबा को इनका काल योग या फिर कोई भी संकट मिटाने के लिए फांसी का फंदा चाहिए होता है। और ऐसे फांसी के फंदे मिलते किसके पास है? किसके पास? तो ऐसे फंदे खरीदने के लिए भक्त लाखों रुपए देने के तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे एक फंदे के 3 लाख रुपए, मतलब महीने के 90 और साल के 10 करोड़ से भी ज्यादा। अमीर बन गए तुम तो राजा बाबू।
पूरी दुनिया में अंधों से ज्यादा आंख वालों को बेवकूफ बनाना आसान है। मौत का डर तो सबको लगता है, और ये ढोंगी लोग इसी डर का फायदा उठाने से बाज नहीं आते। बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा था ये पूरा फंदे का धंधा। बाबा अपने भक्तों में फंदे की डिमांड पैदा करते और रॉकी ऊंचे दामों पर ये फंदे सप्लाई करता था। उधर राजा अपने लालच में लोगों को मारे जा रहा था। आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस खतरनाक खेल का? पंद्रह दिनों में 17 लाश और भी मिल रही है। जैसे कि ये लाश, यानी कि ये आदमी जो पिछले 2 हफ्तों से गायब था, उसकी लाश आज मिली है। हत्या का तरीका वही, बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई है इसकी मौत। आइए मैं लेके चलता हूँ उस माँ के पास जिसके जवान बेटे की मौत हुई है। आपका बेटा मर गया है चाची, आप क्या करेंगी? आप क्या कहना चाहती हैं? बताइए। मेरा बाबू कभी नहीं आएगा, कभी मुझे माँ के कभी बुलाएगा। बोलिए, आप कुछ बोलेंगे? हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम किसने मारा है सोनू को सब पता है। और हम चलो घर चलो, हमने बताया ना आपको, हम जानते चलो हैं। बहाने हमारी, हम जानते हैं। और अब बताइए भाई साहब, बोलने दीजिए उसको। कह रहे हैं ना, उसको कुछ नहीं पता है, जाने दो। हम जानते हैं, दोस्त है उसका, गणेश मित्र था, साथ पढ़ते थे। वो मर गया है, बहरा गई है। उस दिन कह रही थी भूत मार दिया उसको, अब उसमें विश्वास करेंगे नहीं ना? बच्ची हो तो कुछ भी कहेगी यार। आओ चलो चलो आओ, मैं ऐ चलो घर। माता जी जिसने भी मारा है ना हमारे सोनू को, देखिए ना, तिल तिल करके मरेगा वो भी। पानी की बूंद तक नसीब नहीं होगी मरते वक्त। और दाने दाने को तरसेगा, मर क्यों नहीं जाता? कहीं पर जाके कीड़े पड़े उसे। अरे बस कर लाली, क्यों इतनी बकवास करे जा रही है? आपको क्यों बच्ची लग रही है? आपको थोड़ी ना बोल रहे हैं, उसे बदवा दे रहे जिसने सोनू को मारा, और देख लेना हमारी बदवा जरूर लगेगी उसे। हमको तो लगता था कि लोगों का संकट कटवाने के लिए जो चाहिए वो हम कर रहे हैं, लेकिन आज पता लगा कि मरने वाला का परिवार कितनी बद्दुआ देता हो। और एक बात कहें तुम्हें, इंसान के दिल से निकली हुई बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, और हमको तो कितनी बद्दुआ लगी। और क्या करेंगे ऐसे पैसे का, क्या करेंगे ऐसा पैसा कमा कर? नहीं चाहिए ऐसा पैसा, तो ये फंदे का धंधा हमसे नहीं होगा। तुम जाओ अपने रास्ते, हम जा रहे हैं अपने रास्ते। देख यार, ये जो बद्दुआ बाप, इन सबसे जो तेरा डर है ना, सही है। काम करते बाबा के पास चलते, वो ये बद्दुआ बाप ये सब उतारने का भी पूजा करवाते हैं। पाप हो गया साहब, मैंने तुम्हारे सारे पाप उतार दिए, अब तुम दोबारा कार्य में लग जाओ। ये सब अब और मुझसे नहीं होगा बाबा, मैं अपने ऊपर और पाप नहीं चढ़वाना चाहता बाबा। जितना भी रुपया और पैसा कमाया है वो मेरी छोटी बहन की शादी और मेरे बाकी के जीवन के लिए ठीक है बाबा। मैं फंदे को दोबारा नहीं छूना चाहता बाबा, मुझे माफ कीजिए। और बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे मुक्ति दीजिए बाबा। मेरे कमरे में ये सब क्यों किया? अगर तू इसे पाप पुण्य के बारे में समझा दिया होता ना, तो मुझे सब मानने की जरूरत नहीं पड़ती। चिलाड़ को ये गई ठिकाने लगा, भला आदमी था यार, हवा का नुकसान करवा दिया। ये और जाके बकरा ढूंढना होगा, और हाँ, पूरे बिस्तर समेत कटले ऐसे और जाके धंधा जमाएंगे। Yeah.
भैया कहाँ? भैया कहाँ? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथ गए थे ना? ओ, खाना लगा दे मेरा। हाँ, वो आएंगे तब लगा दूंगी मैं, पर कहाँ ना खाना लगा? कहाँ जाती है? एक हाथ छोड़ मेरा वरना चिल्लाऊंगी, समझा? छोड़। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, पागल हो गए हो तुम? क्यों क्या कर रहे हो? देखो मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ो सब। भैया गए, क्या कर रहे हो तुम? बोलो ऐसे, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखना चाहती हूँ ना किसने मारा तेरे सोनू को? हाँ देख, और भी है। नहीं, बकवास है, ये सब बकवास है। जितने भी मर्डर्स है ना, सब तेरे डियर ब्रदर ने किया है। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, तो यहां से बाहर जाएगी, गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि तेरे साथ क्या हुआ है, इसमें क्या होगा बता, लोग तेरे भाई को दोषी मानेंगे और उसके साथ साथ तुझे भी, क्योंकि क्योंकि मैं उनको जाके ये कहूंगा कि तूने अपने भाई का साथ दिया है। और ये जितने भी वीडियोस है ना, इतने बनाए हैं। उसके बाद गांव वाले तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे यार, मुझसे देखा नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन, प्यार से साथ दे दे मेरी जान। बहुत हॉट है यार तू, ऐसे क्यों अपनी जिंदगी वेस्ट कर रही है? चल मेरे साथ, जन्नत दिखाऊंगा तुझे। कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब? देखो मैं मरना नहीं चाहती। तुझे मारने का इरादा भी नहीं है मेरी जान। ले ठूस ले और जल्दी से तैयार हो जा। रॉकी बॉस ने बोला है कि जब तक मैं आऊँ ना, तो मुझे एकदम टिप टॉप चाहिए। और हाँ, जो भी करना है ना, इधर ही कर मेरे सामने, क्योंकि मैं तेरे ये हाथ और पैर खोलने वाला नहीं। वैसे भी पता नहीं रॉकी भाई तेरे साथ क्या क्या करेंगे। कैसे मर्द हो तुम? खाली कमरे में अकेली लड़की को बांध कर रखा है तुमने। फट्टू निकले तुम तो। फट्टू बोलती है? डरपोक बोलती है मुझे? हाँ, मेरे बोलने का मतलब है अगर तुमने मुझे खोल भी दिया तो मैं ए बेचारी लड़की कहाँ तुम्हें हरा कर भाग जाऊंगी, नहीं ना? हाँ, वैसे भी तू कर भी क्या सकती है मेरे सामने भाई। तो अब तो फिर क्यों बांध कर रखा है, खोल दो ना। हाँ खोल रहा हूँ, लेकिन मुंह बंद रख। नहीं, एक धुआं है आपका। ले चुपचाप खा। वैसे एक बात बताए तुम्हें, इतना बड़ी स्मार्ट हो, तुम्हारे चेहरे से दिखता है बहुत ही होशियार किस्म के इंसान हो तुम। नहीं, और एक बार तो ना हम एकदम पक्का बता सकते हैं, बॉस चाहे कोई भी हो, काम सारा तुम ही संभालते हो। नहीं, हाँ, अंधे का सारा धंधा दिन और रात मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, वैसे क्या है ये अंधे का धंधा? एक बात बताए तुम्हें, कल जब मैं यहाँ लाया जा रहा था ना, तो तुम्हारा बॉस बात कर रहा था किसी से फोन पर,
कह रहा था कोई राजू नाम का कोई बंदा है, दुकान पर काम करता है, नौकर है, अगला फंदा उसी का बेचना है, पर बोलने लगा है आजकल तो बेचारा भी अगला उसका नंबर है। ऐसा बोला रोकी भाई ने? फोन पे बोल रहा था किसी को। तू झूठ बोल रही है, ऐसा तो कोई भी नहीं है नौकर, उनका सारा धंधा मैं ही संभालता हूँ उनके साथ। ओ, मतलब राजू तुम हो? राजू मैं, नौकर बोला मेरे को मेरे गले का फंदा। तू झूठ बोल रही है, सही बोल। नहीं नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे, अभी हमने जितनी देर में बात की आपने हमें अपना नाम नहीं बताया, हमने पूछा भी नहीं और हम मिले भी नहीं ना आपसे पहले, तो हमने जो सुना वही बताया ना आपको। रोकी जी आप आ गए, प्लीज हमें बचा लीजिए, वो आपका आदमी, उसने बहुत गलत किया हमारे साथ, हमने उसे कहा भी कि हम आपके दोस्त हैं, पर फिर भी क्या है वो कमीना? वो ना भाग गया, वो किसी से बात कर रहा था फोन पे, वो कह रहा था कि अब इस धंधे के मालिक हमें और रॉकी का फंदा बेचना है, ऐसे ही कुछ कह रहा था, हमें समझ नहीं आया। कौन था ये उसके? रास्ते से उड़ा के यहां पे लिखा है खाने के लिए रोटी की, सारे बाहर निकाल। अरे गद्दार! गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो। मुझे भेजेगा, मेरा फंदा बेचेगा, तेरे लिए दो बार जान पर खेला था ये राजू, और तू उसका फंदा बेचेगा, अब मैं बेचूंगा तेरा फंदा, जा रहा हूं तेरा सारा पैसा लेकर। और हाँ, मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है, थोड़ी देर में आती होगी और तुझे मिलेगा फंदा फांसी का, वो भी जेल में। अरे गद्दार! गद्दार मेरे, गद्दार तू है। अरे तुझ में राजू लड़की का मदद लेके मेरा पैसा हड़पने गया था, नीचे उतार मुझे, कहा तुझे तूने? हाँ, मेरे भाइयों की लालच का फायदा उठाया तूने, क्यों आया हमारी जिंदगी में? शर्म नहीं आई तुझे? मार दूँगी। ए, रुको, गिरफ्तार कर लो। फंदे का धंधा करने वाले रॉकी उर्फ राकेश मिश्रा और बाबा उर्फ ओगड़नाथ शास्त्री आखिरकार खुद कानून के फंदे में फंस गए। अदालत ने रॉकी, बाबा ओगड़नाथ शास्त्री और रॉकी के सहयोगी राजू गुप्ता को कुल 42 मौतों का जिम्मेदार पाया। रॉकी और बाबा ओगड़नाथ को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और राजू को 10 साल कैद। रॉकी और ओगड़नाथ ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने इनके अपराध को बेहद क्रूर और निर्मम मानते हुए इनकी अपील सिरे से खारिज कर दी। इस पूरे आपराधिक घटनाक्रम के लिए क्या सिर्फ उन लोगों को जिम्मेदार माना जाए जो इस धंधे में लगे हुए थे और फांसी के फंदे जुटाने के लिए हत्याएं कर और करवा रहे थे? क्या वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार नहीं है जो इन फंदों को मुंह मांगे दामों पर खरीद रहे थे? अगर वो लोग ना खरीदते तो क्या ये लोग बेचते? किसी भी अपराध के लिए अपराधी और अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग बराबर के जिम्मेदार होते हैं। ये सोच ही कितनी घटिया है कि फांसी के फंदे से किसी की उम्र बढ़ जाएगी, और यही नहीं, घोड़े की नाल से किस्मत चमक जाएगी, बिल्ली का नाखून शुभ होता है, नींबू मिर्ची से बला टल जाएगी, वगैरह वगैरह, सब बकवास है। और ये छोटी बातें नहीं है, ऐसे छोटे छोटे अंधविश्वासों में फंसकर ही कब इंसान हत्या जैसा जुर्म कर बैठता है उसे खुद पता नहीं चलता है, और उसके लिए फिर वो खुद जिम्मेदार होता है, सजा भी उसी को मिलती है, अपना शुभ तो कर नहीं पाता, उल्टे अपराधी बनके अपनों के लिए शर्मिंदगी की वजह जरूर बन जाता है। अपने विवेक से काम लीजिए, क्योंकि अंधविश्वास और लालच तो वो दीमक है
जो अच्छे से अच्छे इंसान की सोच को खोखला करके उसे अपराधी बना सकती है। समाज में घूम रहे अपराधियों को खदेड़ने से पहले हमें अपने अंदर बैठे इस अंधविश्वास को खदेड़ना होगा। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।